फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूट्यूब आर्ट गुरु में। आज हम इस छोटी सी वीडियो में मुख्य भारतीय कार्टूनिस्ट कलाकारों के नाम लेकर आया हूं, जो आपके टीजीटी पीजीटी कला एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र मौर्य, आइए देखते हैं कार्टूनिस्ट कलाकारों के नाम। भारतीय महत्वपूर्ण कार्टूनिस्ट। भारत में कार्टून कला की शुरुआत ब्रिटिश शासन काल से मानी जाती है। केशव शंकर पिल्लई पहले कार्टूनिस्ट कलाकार थे, जिनको कार्टूनिस्ट कला का पितामह भी कहा जाता है। ये देखिए, ये हैं आपके केशव शंकर पिल्लई को भारतीय कार्टूनिस्ट कला का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1932 में हिंदुस्तान टाइम में कार्टून बनाना प्रारंभ किया और इनकी पत्रिका संकर्ष वीकली भारत में प्रकाशित पहली कार्टूनिस्ट पत्रिका है। ये इम्पोर्टेंट संकर्ष वीकली है, जिसे शंकर पिल्लई ने प्रारंभ किया था। सन 1946 में अनवर अहमद कार्टूनिस्ट हुए और हिंदुस्तान के दूसरे कार्टूनिस्ट थे। विश्व कार्टूनिस्ट दिवस 5 मई को मनाया जाता है। ये आप ध्यान देंगे कि विश्व कार्टूनिस्ट दिवस 5 मई को मनाया जाता है। अब्राहम अबू जो है, ये भी मुख्य कार्टूनिस्ट कलाकार थे। अब इसके आगे जो नाम है मैं आपको बताता चलूँ। जयंत बनर्जी, नीलाभ चटर्जी, सुमंता बरुआ, चित प्रसाद, रोहन चक्रवर्ती, निखिल चतुर्वेदी, ये पर्यावरणविद भी थे। सुधीर दारो, नारायण देवनाभी, अरुण फरेरा, जी बालकृष्णन, गोपी गजवानी, हिमानी गोस्वामी, और इसके बाद देखिए इरफान हुसैन भी मुख्य कार्टूनिस्ट कलाकार थे। और ये जो आपके आरके लक्ष्मण हैं, ये आपके टीजीटी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद मेरियो मिरांडा, नंबूदरी, मंजुला, पद्मनाभन, राजेंद्रपुरी, मीर सुहेल कादरी, बीवी राममूर्ति, नरेन राय, पीके सदानंद, रवि शंकर, प्राण कुमार शर्मा, शरद शर्मा, प्रकाश सेठी, सुकुमार, जनार्दन स्वामी और गगनेन्द्रनाथ टैगोर भी आपके कार्टूनिस्ट थे। अब मुख्य कार्टूनिस्ट देखे सुधीर तैलंग, ये फोटो साथ में है आपके सामने। ये सुधीर तैलंग भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन कार्टूनिस्ट कलाकार नहीं, अगर सुधीर तैलंग का नाम अक्सर पूछा जा सकता है। और ये आपके बाल ठाकरे जी हैं, जो टीजीटी में पूछा जा चुका है कि कार्टूनिस्ट हैं या नहीं, तो इनको भी आप ध्यान दे दीजिएगा। असीम त्रिवेदी, उन्नी बंसीलाल वर्मा और येसुदासन आदि। तो येसुदासन पे हमने कला की जो समसामयिक वीडियो बनाया हूँ इसके पीछे, उसमें हमने करीब 8-10-15 फैक्ट ऐसा दे दिया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो मुझे मिला और आप के सामने ला दिया। तो फ्रेंड्स, हम टीजीटी कला के पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस सेट बना चुका हूँ, उसको आप एक बार अवश्य देखिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट एवं किसी यूट्यूबर के क्लास से आप अपनी तैयारी पूर्ण मत समझना, नहीं तो ये आपकी भूल होगी। आप किताब का समग्र अध्ययन अवश्य कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना सा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।